बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी। आज का भी लाख शुरू, आज जुम्मे का दिन है, सबको जुम्मा मुबारक। तो अभी चलते हैं जुम्मे की नमाज़ को। नमाज जुम्मा अदा कर ली है और ये देखें किसी का आवारा कुत्ता है, गले में पट्टा भी है और डर भी लग रहा है क्योंकि अभी ये मौसम ऐसा है कि इसमें पागल हुए भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ थोड़े बहुत बादल आए हुए हैं आसमान पे, अल्लाह रहमत की बारिश थी। आज भी मौलाना साहब ने दुआ करवाई है। और इस सामने जो सियासत लगा रहे हैं, ये लगड़ाई हो रही है। पेंट वगैरह सब काम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी रगड़ाई का फाइनल टच है। कितने दिन लगेंगे रगड़ाई के? उसका इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगी। अभी सही लुक बनी है, ये ड्राइंग रूम है और इस तरफ डेकोरेशन पीसेस के लिए ये लगाया है माशाल्लाह। विंडो भी सही है और इस तरफ भी लगा दिया गया है रोशनी के लिए। यहाँ से पूरी जो गैलरी है वो आप देख सकते हैं। और ये गार्ड है भाई का जो ये रगड़ाई कर रहे हैं, इसमें इनका कंप्लीट एड्रेस है। आप में से किसी भाई ने इनसे काम करवाना हो तो ये भाई ये देखें, यहाँ पे भी डेकोरेशन पीसेस के लिए बहुत खूबसूरत रहे हैं। ये तो दूसरी कार है किचन की, यहाँ पे तो रगड़ाई नहीं होगी। ये कैबिनेट भी बना दिए गए हैं देखें, और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत। सामान वगैरह रखते हैं, बर्तन रखते हैं, कितनी खूबसूरत ही बनाई है। और यहाँ किचन का डोर भी है, इस तरफ गैलरी में खुलता है। और यहाँ की भी सफाई रहती है, यहाँ की इधर से भी खूब रोशनी आएगी। और एक इन्होंने खिड़की छोड़ी है यहाँ से कारपोरेट से, देखो सामने हमारा घर नज़र आ रहा है। और यार माशाल्लाह काम बड़ा अच्छा हुआ है। अभी 4 बजे का टाइम है और बहुत शदीद गर्मी है जी भाई, ऐसे ही बिल्कुल तपिश हुई हुई है, हर चीज़ गर्म हुई हुई है। ऊपर जो हमारा पानी का टैंक है, हालांकि मास्टर वालों के अच्छा क्या कहते हैं क्वालिटी वाले 5 लेयर्स वाला, लेकिन फिर भी पानी ऐसा आ रहा है कि बंदा कहता है कि गीज़र लगाया हुआ है। तो लू चल रही है बाहर बहुत सख्त, तो कोई काम हो ज़रूरी तो तब निकलें, वो भी अपने आप को कवर करके, अदरवाइज़ बिल्कुल ना निकलें क्योंकि गर्मी सख्त है। अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल करें। अभी बस ऊपर ही आया हूँ मैं रूम में, तो गर्मी है तो इंशाल्लाह असर के बाद फिर थोड़ी सी वॉक करूँगा। अभी टाइम है, अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे हैं। इधर ये देखेंगे, मैंने संभाल ली है बबूल की फली, कीकर की फली, और कुछ ये रहेगी इसको भी मैं उठा के इस शावर में डालता हूँ। और ये हमारा सौंजना, उसके पत्ते हैं मोरिंगा के, देखें कड़क हो चुके हैं, अभी इसको भी मैं पीस लूँगा इंशाल्लाह।
अभी जी असर का टाइम होने वाला है, असर की नमाज़ का, और मेरा दिल आज कर रहा था कि कोई मीठी चीज़ खाने को। फिर मैंने अम्मी जान से कहा है, मैंने कहा जी कोई हलवा बना दो, तो आटे का हलवा बना रही हैं। और ये अभी मैंने किशमिश साफ़ करके दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आलमंड भी हैं, ये भी पानी में भिगोए हुए हैं। इधर आटे की बनाई जा रही है। अजान भी शुरू हो चुकी है जी, और अभी चलते हैं मस्जिद, जाके नमाज पढ़ते हैं और फिर वापस आके इंशाल्लाह फिर हलवा खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और खुशबू आ रही है जी, बड़ी बीनी बीनी खुशबू आ रही है हलवे की। ये देखें जी, बड़ी मेहनत का काम है, इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना जी, देखें ताकि नीचे ना लग जाए। अभी तैयारी की तरफ पड़ रही है, देखें तैयार होने वाला, बस थोड़ा सा इसमें कसर रह गई है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। हलवा मैंने चखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टेस्टी बना है। अभी इसमें नट्स डाले जाएंगे और इसको फिर थोड़ा सा और मज़ीद पकाया जाएगा, तो फिर ये रेडी हो जाएगा जी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। फिर खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आज बहुत ही शदीद गर्मी थी और गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, तो बहुत एहतियात कीजिए अपनी। जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने आप को ढांप के कवर करके, सर का जो क्या कहते हैं, सर पे कुछ रुमाल रखें और या छतरी लेके निकलें बाहर, क्योंकि धूप बहुत सख्त है और डायरेक्टली असर करती है। और केयर कीजिए अपनी और अपने बच्चों की। तो अभी जैसे ही हलवा तैयार होता है खाते हैं जी इंशाल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आटे का हलवा तैयार है, अब खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही टेस्टी बने जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कारी साहब के रूम में मैं आ चुका हूँ और ये देखें बाहर कूलर की कूलर नज़र आ रहा है आपको, उसकी आवाज़ भी आ रही है, तो गर्मी बहुत है। कारी साहब क्या कह रहे हैं? कारी साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। कारी साहब हमारे बड़े अच्छे इंसान हैं। ना जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है, अभी अजान होने वाली है, फिर नमाज की तैयारी करते हैं, ज़रा गपशप कर लें जी कारी साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरब की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ घर, और अभी देखते हैं जी आज खाने में अम्मी जान ने क्या बनाया। आज डिनर का मेरा प्रोग्राम तो नहीं है, क्योंकि खाना भी नहीं खाया, सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और नाश्ता भी लेट किया है, फिर उसके बाद फिर हलवा खाया, और अभी देखते हैं अम्मी जान ने डिनर में क्या बनाया। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के करेले बने हुए हैं। चले मूड हुआ तो रात को आधी चपाती के साथ थोड़े से चख लेंगे। गुड मॉर्निंग जी, अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, मैंगो का सीज़न है और मैंगो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इसको हम खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आप ये लेके आए मैंगो, उसका शेक बनाएं और आइसक्रीम बनाएं और खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अभी मैं सिटी जा रहा हूँ जी वॉक करता करता, और ये देखें ये भाईजान ने माशाल्लाह अपने ये फ्रेश लगाए हुए हैं सामने, सेल कर रहे हैं ये वेजिटेबल। ये देखिए माशाल्लाह, ये करेले हैं जो मैंने आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले, इनकी बेलें, और ये कद्दू हैं माशाल्लाह, और ये लगे हुए सामने करेले। ये भाईजान मेहनत कर रहे हैं। भाजी ठीक हो ना? ये माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और ये करेले इन्होंने लगाए हुए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा बिच गनेर का साग भी हो गया है ना? हाँ। ते पाजी चुलाई दा उसी साग या नहीं? अच्छा गनेर ही है, ये गनेर का साग ही है और चुलाई इस दफ़ा नहीं है, वो जंगली मैंने आपको दिखाई थी वो है। और ये देखें माशाल्लाह, बड़ी मेहनत का काम है जी, तब जाके ये क्या कहते हैं कि फल लगते। और ये देखें अंदर गनेर का साग लगा हुआ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये देखें गर्मी बढ़ गई है और
अब मक्के की फसल को पानी की ज़रूरत है। ये देखें खुश्क हुए हुए हैं मैदान सारे, ये देखें। अल्लाह रहमत की बारिश दे, आमीन। ये जानवरों के लिए चारा लगाया हुआ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये देखें। घर की जो सब्ज़ी है उसका अपना ही मज़ा होता है, उसका अपना ही टेस्ट होता है, पानी भी साफ़ लगता है, ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये अरबियाँ लगी हुई हैं, कचालू माशाल्लाह। अभी जस्ट घर पहुँचा हैं जी, और ये नींबू शिकंजी बना ली है, पीते हैं क्योंकि गर्मी सख्त है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आ चुकी है जी। और ये देखें यार क्या हुआ है, ये देखें शूज़ जो मैंने पहने हैं, गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की इन्होंने। और ये देखें, हालांकि ये ब्रांडेड शूज़ हैं, नाइकी के हैं। अब ये जो सोल है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अब इसका मैं बिल्कुल लाइट सा कोई सोल लगाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी मैंने इस कपड़े वॉश करने, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह कर दिया, कपड़े वॉश होना शुरू हो चुके हैं। अभी खाते हैं जी आटे का हलवा, जो कल अम्मी जान ने बनाया था। ये देखें ज़बरदस्त, कल भी मैंने खाया, बड़ा मज़े का बना था। अभी दिल कर रहा था तो मैंने अम्मी जान से कहा है इसको ज़रा सा गर्म कर लें, तो खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो एक तकरीबन सवा एक होने वाला है, ये देखें। अभी जोर की नमाज़ का भी टाइम है, फिर नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पहले इसको खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े वाश हो चुके हैं, और मैंने नीचे कारपोरेज में डाल दिए हैं, क्योंकि ऊपर धूप सख्त है, कलर कपड़ों का जो फेड हो जाता है। अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जाएंगे, असर की, असर का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।